नमस्कार दोस्तों, मैं बेकाफ आपके अपने YouTube चैनल बेकाफ ऑनलाइन टेक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं इनकम टैक्स के बारे में, वो भी हमारे सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, एनी अदर UPI का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उससे हम कितने पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ कि हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, उसकी जैसे कि आपका SBI में या फिर किसी भी बैंक में है, एनी अदर बैंक, तो यहाँ पे जो उसकी पर ईयर की लिमिट होती है वो होती है आपकी 50 लाख रुपये। ठीक है, 50 लाख होती है, वो भी आपकी पर ईयर की होती है। ओके, यहाँ पे पर ईयर। अब देखिए, मैं समझा देता हूँ ये ट्रांजैक्शन काउंट कैसे किया जाता है। आप ये मत सोचिए कि 50 लाख बहुत होती है तो हम यहाँ से वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे काउंट किया जाता है ट्रांजैक्शन को। ये ना समझिए कि हमारे अकाउंट में तो कभी 50 लाख रुपये हो नहीं सकते। अब देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने अपने दोस्त को, ठीक है, आपने अपने किसी दोस्त को 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए, मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए आपके अकाउंट में, आज 1 तारीख है मान के चलिए, ठीक, आज महीने की 1 तारीख होगी। ओके, आज की तारीख को हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपये क्रेडिट हुए, यानी कि हमने बैंक में जाके 2 लाख रुपये अपने अकाउंट में जमा किए। ओके, कितने किए? 2 लाख। ओके, ठीक है, 2 लाख रुपये हमने अपने अकाउंट में जमा कर दिए। अब क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन कैसे काउंट होगा? अब आपकी जो 50,000 की जो लिमिट है, उसमें से आपकी अब लिमिट रह गई ओनली 48 लाख की। ओके, ओनली 48 लाख की लिमिट रह गई आपकी, क्योंकि 2 लाख आपके 1 तारीख को क्रेडिट हो चुके हैं। अब देखिए, अगर जो हमने ये पैसे अपने किसी दोस्त को भेज दिए, बनते हैं ना कि अरे भाई हम पैसे वाले हैं, काफ़ी लोग पेटीएम या फोनपे, साहब मैं करता हूँ अभी, वेट कर भाई, 5 मिनट में भेज रहा हूँ। तो देखिए, आपने अपने दोस्त को भेज दिए 2 लाख रुपये, तो आपने अपने दोस्त को ये पैसे भेजे और आपके दोस्त ने ये पैसे आपको वापस भेजे। बैंक को इससे मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में अभी मौजूद बैलेंस कितना है, बैंक सिर्फ ट्रांजेक्शन काउंट करता है आपका। ओके, तो आपके दोस्त ने आपको पैसे भेजे तो ये 2 लाख रुपये आपके, यानी कि फिर से आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। ठीक है, तो ये बैंक सिर्फ ये जोड़ता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे माइनस फिर हो जाएगी, यानी कि 2 लाख की जो लिमिट है वो फिर माइनस हो जाएगी, अब आपकी फिर से 40 लाख की बची। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ना, कि यानी कि ये मतलब नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसे होने ही चाहिए। अगर जो आपके अकाउंट में चाहे 1 लाख रुपये हैं, अगर आपने 50 लोगों को भेजे और अपने अकाउंट में वापस लिए, तो आपकी जो लिमिट अगर जो 50 लाख रुपये हो जाती है, ठीक है, अगर आप इसे क्रॉस भी करते हो, अगर जो 50 लाख ही हो जाती है, तो बैंक की ये जो बैंक है ना आपकी, जैसे बैंक, ठीक है, आपकी जो बैंक है वो सीधा डिटेल्स भेज देती है इनकम टैक्स के पास। ठीक है, चलिए इसे मिटा देता हूँ मैं। ओके, बैंक हमारी डिटेल भेज देती है हमारे इनकम टैक्स के पास। ठीक है, अब इनकम टैक्स वाले भाई आपसे जवाब पूछेंगे कि ये जो 50 लाख रुपये है, ये आपके अकाउंट में कैसे आया, कहाँ से आया, अब आप उन्हें जवाब दोगे। अब देखिए, इससे बचने का मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इससे बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अगर जो आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका पैसा आ रहा है तो आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यानी कि क्या बताऊं यार, मान के चलिए आप फेकी खोर आदमी है, जैसे आप अपनी माँ के फफराल गए, ठीक है, फफराल गए और वहाँ पे एक किसी को प्रॉब्लम है कि भाई हमारे 2 लाख रुपये आने हैं, बैंक की हमारे में पैन कार्ड नहीं लगा है, यानी एनी अदर प्रॉब्लम, तो आप भाई वहाँ पे अपना रंग दिखाने के लिए, अरे हमारे अकाउंट में डाल दो, हम निकाल के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वो सोचेंगे, अरे भाई हमारे जो जीजा जी या फमदी फाम, वो तो काफ़ी यार अच्छी ब्रांड है,
तो ये भाई ना ये फेकी के चक्कर में आप काम नहीं करिए, वरना ये इनकम टैक्स है ना आपसे एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब मांगेंगे, आप कहाँ से दोगे। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है ठीक है तो आप दिखा सकते हो, माना कि आपकी अगर शॉप है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई होटल है, तो वो दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इतना पैसा आ जाता है। ठीक है, तो वो लोग यानी कि टैक्स भी पे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फेकी के चक्कर में आप अपने अकाउंट से यानी कि अपने पेटीएम से डेली के डेली कर रहे हो कि 10,000 रुपये भेज दिए भाई फॉर्म को मेरे पास भेज दे, कैशबैक के चक्कर में कुछ लोग तो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो भाई इस पे लगाम लगाइए, क्योंकि इनकम टैक्स ने अगर जो नोटिस भेजा ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि UPI की जो एक दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो 1,00,000 की होती है, यानी कि जो 1,00,000 रुपये हम पे कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये हम पे कर सकते हैं पर डे। ठीक है, पर डे हम 1,00,000 रुपये पे कर सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे भैया 1,00,000 रुपये से अगर जो रोज डेली पे करेंगे हम तो हमारा एक महीने का 30,00,000 रुपए हो रहा है, अगर महीना 30 का है, 31 का, 30-31 लाख रुपए हो रहा है, तो ऐसे तो एक साल में करोड़ों रुपए करीब 3 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये पर डे की ये UPI की लिमिट है, ना कि ये आपके लिए है। ठीक है, ये UPI की लिमिट है, ये इसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल UPI यूजर हो तो आपको इतना ट्रांजैक्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको सजेशन सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि फ़ोनपे या पेटीएम से ट्रांजैक्शन करिए, ठीक है, लेकिन फालतू का मत करिए। सिर्फ ये चीज़ है ना, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए है, ना कि रिश्तेदार दोस्त। ठीक है, अगर आप इसका ध्यान रखिए 50,00,000 की लिमिट का, ठीक है, एक साल में 50,00,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए एक जानकारी और देता हूँ कि अगर आपके पास पेटीएम बैंक है, ठीक है, अगर आपके पास पेटीएम बैंक है या फिर आपके पास, चलिए मैं यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ, पेटीएम बैंक है या फिर आपके पास एयरटेल बैंक है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक और है, ठीक, अगर ये बैंक है आपके पास तो भाई इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है कि इनकी जो पर मंथ की जो लिमिट होती है, एक महीने की जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, वो इनकी सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 होती है, किसी किसी की 3,00,000 होती है। ये बैंक है ना, जब आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो पैसा क्रेडिट करना बंद कर देती है। ठीक है, अब देखिए अगर इन बैंक की लिमिट इसकी 3,00,000 है, इसकी 1,00,000 है, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे मान के चलिए हम 3-3 लाख रुपए का पर मंथ ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो हमारी यानी कि 12 आती है 36, तो 36,00,000 पैसा हो रहा है। वैसे भाई इनकम टैक्स है ना आपको 10,00,000 रुपए पर भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपकी जो लिमिट है ना वो 10,00,000 रुपए हो रही है ना करेंट लिमिट अकाउंट की, वो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब भाई ऊपर जा रहे हैं 50,00,000 के करीब तो पक्का आपसे पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ध्यान रखिए कि 50,00,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, अगर आप एक नॉर्मल पेटीएम या फ़ोनपे यूजर हो, ठीक है, नॉर्मल UPI यूजर हो। अगर आपका कोई बड़ा काम है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फेकी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा। जहाँ तक मैं सजेशन दूंगा कि इसका जो आप झंझट में ना पड़ के फिर पर्सनल यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने से आप बचिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। यार वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेकिन यार गंदे गंदे कमेंट मत किया करो। कुछ लोग बोलते हैं भाई जानकारी नहीं है, वीडियो बना रहा है, चैनल को छोड़ दे, ये है वो है। भाई अगर जो आप लोग समझोगे उसे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो को सही बनाया था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।